Hi everybody, today we are going to discuss about the centipede bite, यानी कि कान खजूरे का काटना। कान खजूरा आपने देखा होगा कि घरों में निकल आता है अक्सर, बहुत छोटा सा जानवर होता है, काफी बड़ा भी होता है और उसमें बहुत सारे पैर होते हैं, मल्टीपीड, यानी कि बहुत सारे पैर जो है उसके अंदर होते हैं और छोटे से इतनी सी से लेके और काफी बड़ा तक भी आपको मिल सकता है। घरों के अंदर भी मिल सकता है और आपका जंगलात के अंदर या डेजर्ट रेगिस्तान वगैरह के अंदर जो है वो जंगलात के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। घरों के अंदर जो आपका सेंटीपीड होते हैं, क्या सवाल सबसे पहले ये आता है कि क्या वो पॉइजनस होते हैं? देखिए, उनका जो टॉक्सिन होता है, जो घरों के अंदर सेंटीपीड मिलते हैं उनका टॉक्सिन इतना पॉइजनस नहीं होता है कि मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। हाँ, पेन जरूर होगा, पेन जो है इसका तकरीबन 48 घंटे तक भी देखने में आया कि उसका पेन जो है वो कंटिन्यू रहता है और इसके बाइट करने पर वहां पर एरिया जो है वो आपका लाल हो जाता है और स्वेल हो जाता है। दूसरी बात, सवाल यहां पर ये आता है कि ये जो सेंटीपीड है ये घरों के अंदर किस जगहों पर रहते हैं? देखिए, सेंटीपीड्स जो है आपका वो ऐसी साइट्स पर रहते हैं जो कूल हो, ठंडी हो, कूल हो और डैम्प प्लेसेस, यानी कि जहां पर नमी वगैरह हो और डार्क हो, अंधेरा हो, उस जगहों पर जो है ये घरों के अंदर रहते हैं। जैसे किचन के जो वार्डरोब होते हैं उनके अंदर जो है ये सीलन वगैरह में छुपे रहते हैं एट होम, और एनी अदर प्लेसेज, यानी कि गार्डनिंग वगैरह अगर घर में है तो वहां पर भी गमलों वगैरह के नीचे जो है ये आपको मिल सकते हैं। इट्स टॉक्सिन कॉजेस सीवियर पेन, सीवियर पेन जो है वो तो मिलेगा और इसके साथ साथ जो है सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स भी वहां पर देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपका एनाफिलेक्सिस, कार्डियक इस्चीमिया एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी। लेकिन घरों के अंदर जो सेंटीपीड्स होते हैं वो मोर पॉइजनस नहीं होते, लेकिन जो जंगलात के अंदर या डेजर्ट के अंदर पाए जाने वाले सेंटीपीड होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और उनसे जो है इंसान की डेथ भी हो जाती है। साइंस एंड सिम्टम्स, देखिए इसमें साइंस एंड सिम्टम्स जो है आपका, कौन से साइंस एंड सिम्टम अपीयर होंगे? देखिए, ये बाइट करता है, इसके आगे की तरफ इस तरह से दो स्टिंग होते हैं, उनसे जो है ये आपका बाइट करता है और बाइट करने के बाद जो है वहां पर जहां पंक्चर साइट होगी, जहां पर उन्हें बाइट किया है, जहां पर पंक्चर किया है, उस साइट पर रेडनेस मिलेगी और कभी कभी देखने में आता है रेयरली नंबनेस एट द साइट, यानी कि उस जगह पर जहां पर उसने बाइट किया है उस साइट पर जो है आपका चींटियां सी रेंगने का एहसास होगा, यानी कि नंबनेस होती है और कभी कभी जो है उसके आसपास के यानी कि लिम्फ नोड्स जो है वो भी स्वेल मिल सकते हैं, लेकिन वेरी रेयर केसेस, अगर होम सेंटीपीड है, घर में रहने वाला सेंटीपीड है तो उससे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। इचिंग जरूर मिल सकती है, हेडेक और एंजाइटी, एंजाइटी यानी कि एक अजीब सी कैफियत बनी रहेगी, बेचैनी रहेगी इंसान को कि तुम्हें किसी पंछी ने काटा है। होम रेमेडीज, देखिए सेंटीपीड बाइट में जब तक डॉक्टर अवेलेबल हो तब तक हम होम रेमेडी के तौर पर उसमें क्या कर सकते हैं ताकि जो है जो पेन हो रहा है उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाए। तो सबसे पहला काम किसी भी बाइट में, चाहे वो इंसेक्ट बाइट हो या एनिमल बाइट हो, सबसे पहला काम होता है उस एरिया को जहां पर बाइट हुआ है, जहां पर काटा गया है, उस एरिया को साबुन और पानी से बहुत अच्छी तरह से वॉश कर दे। तकरीबन 15 मिनट तक उसको वॉश करते रहे तो उससे क्या होगा, जो उसका पॉइजनस सब्सटेंस है वो काफी हद तक जो है वो आपका खत्म हो जाता है, काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है और इंफेक्शन का खतरा कम से कम रहता है। वो किसी भी तरह का एनिमल पॉइजन हो या किसी भी तरह का एनिमल बाइट हो या इंसेक्ट बाइट हो, ये आप वॉश जरूर करें साबुन और पानी के साथ। और उसके साथ साथ इसमें क्या करना है, एन आइस क्यूब, एक बर्फ का टुकड़ा लेके उसको कपड़े में लपेटिए उस साइट पर जहां पर जो है बाइट हुआ है, उस साइट पर थोड़ी देर के लिए कंप्रेस करिए और उससे जो है आपका जो पेन होना है वो काफी हद तक रिलीफ हो जाएगा उसके अंदर और स्वेलिंग भी नहीं आ पाएगी। तो उस साइट पर जहां पर बाइट हुआ है बर्फ के टुकड़े को एक कपड़े में लपेट के उस साइट पर आप थोड़ी देर के लिए उसका कंप्रेस करें, उसको रखें, उसके लिए वॉश विद लार्ज अमाउंट ऑफ सॉप एंड वाटर। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा पानी और साबुन से जो है उसको तकरीबन 15 मिनट तक आप वॉश करते रहिएगा और अगर स्किन रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है तो अप्लाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम ओवर द काउंटर, आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम लेकर उस साइट पर जो है लगा सकते हैं अगर वहां पर इचिंग ज्यादा हो रही है या स्किन रिएक्शन आपको दिखाई
दे रहे हैं। सवाल आता है, क्या घरों में रहने वाले या घरों में पाए जाने वाले सेंटीपीड्स जो है वो खतरनाक होते हैं, पॉइजनस होते हैं? देखिए, टॉक्सिन तो होता है लेकिन ह्यूमन के लिए वो इतना खतरनाक नहीं होता कि एकदम से मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। लेकिन जो वाइल्ड के अंदर, जंगलात के अंदर रहते हैं या डेजर्ट रेगिस्तान के अंदर होते हैं, वो सेंटीपीड जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और इंसान की मौत तक हो सकती है, डेथ तक हो सकती है। यानी कि सवाल आता है कि हाउ लॉन्ग पेन लास्ट, जब सेंटीपीड जो है आपका बाइट करता है तो सवाल यहां पर ये आता है कि उसका दर्द कितने वक्त तक रहता है। यानी कि इसका जो पेन है, सेंटीपीड बाइट का जो पेन है, वो आपका तकरीबन 48 आवर्स तक रह सकता है। और स्वेलिंग जो है वो आपका, कभी कभी देखने आया इन सम केसेस जो है वो आपका 3 हफ्तों तक भी स्वेलिंग बाकी रहती है। ट्रीटमेंट के तौर पर आप क्या करेंगे? ट्रीटमेंट के तौर पर देखिए, सबसे पहली चीज है, हमने बताया कि वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर। उस एरिया को पानी और साबुन से अच्छी तरह से वॉश कर दीजिएगा और उसके साथ जो है उसको कोई भी पेन रिलीवर, एनाल्जेसिक वगैरह जो है आप दे सकते हैं। एंटी ईच मेडिकेशन जो है आप दीजिए उसको, ताकि जो है जो एक डिस्कम्फर्ट जिस्म के अंदर बना हुआ है, एक परेशानी जो बनी हुई है, एंग्जाइटी जो बनी हुई है, तो वो वहां पर जो है वो रिड्यूस हो सके, सूथ हो सके। तो इसलिए वहां पर जो है आपका एंटी ईच मेडिकेशन भी उस पेशेंट को जरूर दीजिएगा। आप किस चीज से डरते हैं, किस चीज से भागते हैं, तो भगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टी ट्री ऑयल या पेपरमेंट ऑयल, इनकी इनमें से कोई भी एक ले ले, 25 ड्रॉप जो है उनकी, और प्लस जो है 6 ऑन्स जो है वो आपका पानी लेकर जो है उसका स्प्रे बना के, जहां जहां भी संभावित है, जहां जहां भी पॉसिबल है कि यहाँ आपका सेंटीपीड हो सकते हैं, तो उन साइट्स पर जो है आप उसको स्प्रे कर दीजिएगा, तो वहां से जो सेंटीपीड है वो वहां से भाग जाएगा। हाउ हेल्प इट टू ह्यूमंस, एक और सवाल है कि ये इंसानों की मदद किस तरह से करते हैं। देखिए, जहां एक तरफ इनका नुकसान भी है, बाइट का खतरा रहता है, लेकिन वहीं ये इंसानों के लिए फायदेमंद भी साबित होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सबसे पहली बात तो ये कि रात में निकलते हैं। कब निकलते हैं? सेंटीपीड्स जो है अपनी जगहों से जहां छुपे हुए होते हैं वहां से वो रात के वक्त निकलते हैं। और किस लिए? हंट द अदर एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह, यानी कि अपना भोजन, अपना खाना लेने के लिए ये रात में बाहर निकलते हैं, अपने खाने का शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं। और ये आपका फ्लाइज, सिल्वर फिश यानी कि झींगा वगैरह जो होता है, जो कपड़ों को काट देता है, खराब कर देता है, कॉकरोच, और इसके अलावा जो है आपका दीमक वगैरह, उनको ये किल कर देता है। तो इस तरह से ये इंसान की मदद भी करता है। देखिए, हर्बल मेडिकेशन के तौर पर यानी कि अप्लाई करने के लिए एक रीठा आपने देखा होगा जिससे बाल वगैरह धोते हैं, सॉप बेरी जिसको कहते हैं, जब बाइट होता है तो उस साइट पर आप जो है रीठे को घिस के, रीठे को काटिए, उसके जो है उस पानी के अंदर घिसिए, और पानी के अंदर घिस के आप जो है उस बाइट मार्क पर लगा सकते हैं, तो उससे पेन जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा और उसका जो टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर गया है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, आपको नुकसान कम से कम होगा। तो सॉफ्ट बेरी का आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या कैलोट्रेपिस यानी कि मदार, उसका मिल्क अगर आपको मिल जाए तो उसको उस बाइट साइट पर लगा दीजिए, वो भी बहुत तेजी के साथ पॉइजनस इफेक्ट को कम करता है, मदार का दूध। एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोई भी इंसेक्ट बाइट हो, उसमें कोई भी इस तरह का पॉइजनस बाइट हो, एनिमल बाइट हो, इंसेक्ट बाइट हो, उसमें होम्योपैथिक एक्सपर्ट के मुताबिक जो है लेडम 200 नाम की एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, तो अगर उसको 4-5 ग्रेन्यूल्स या ड्रॉप की शक्ल में है तो आप जो है उसको 2-3 बूंद जो है दिन में 4-5 मरतबा दे सकते हैं, तो वो भी काफी हद तक जो है किसी भी इंसेक्ट बाइट में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। ये एज पर द होम्योपैथिक एक्सपर्ट, इनको कैसे मारा जा सकता है, हाउ किल, कैसे मारा जा सकता है, तो इनको पेस्टिसाइड जो है जिसके अंदर आपका पेरिथॉइड्स जो है मौजूद होता है, तो सब पेरिथॉइड सब्सटेंस जो है मौजूद होता है, तो वो पेस्टिसाइड जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनको किल करने के लिए। तो ये था आज आपका सेंटीपीड बाइट यानी कि कान खजूरे का काटना। तो इस से रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं,
अदरवाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियो जो है वो आपका मिलती रहे। थैंक्स।